फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अगर प्रोफेशनल क्वालिटी का अगर ऑडियो रिकॉर्ड करना है, वॉइस रिकॉर्ड करना है या फिर सॉन्ग रिकॉर्ड करना है, तो वो काम हम लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा। तो इनको अगर आप फॉलो करो तो आप आसानी से है जो कि प्रोफेशनल क्वालिटी का जो रिकॉर्डिंग है उसे आप कर सकते हो। अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं उस टॉपिक पे बनाने के लिए और आपका जो डाउट होगा उसे क्लियर करने के लिए। तो आपके पास कोई नॉर्मल सा भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाने के लिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल बटन है उसे आप प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो आसानी से मिल जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सको। तो जो सबसे पहला चीज है, हमें किस टाइप का माइक यूज करना है। तो माइक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है कंडेंसर माइक, दूसरा होता है डायनामिक माइक। तो कंडेंसर माइक आप देख सकते हो, यहां पे हमारे पास जो कंडेंसर माइक है इसी माइक को हमें यूज करना है, डायनामिक माइक को यूज नहीं करना है। डायनामिक माइक क्या होता है कि जहां तक आप बोल रहे हो वहीं तक का जो साउंड होता है उसे कैप्चर करता है। और ये जो माइक होता है कि इसमें अगर आप कहीं दूर से भी बोल रहे हो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, मतलब कहीं आप दूर पे भी अगर आपने पिन ड्रॉप किया तो उसका भी जो साउंड होता है उसे ये कैच कर लेता है। तो आपको ये जो कंडेंसर माइक है इसे यूज करना है। नेक्स्ट जो चीज है वो है पॉप फिल्टर। पॉप फिल्टर यूज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग कोई भी जैसे शब्द बोलते हैं जैसे पॉप ब भ, तो ये सब जो आवाज होता है ये सब जा करके माइक पे रिकॉर्ड हो जाता है और वहां पे जो फ्लिकर होता है वो आ जाता है, मतलब वहां पे आवाज जो होता है वो फट जाता है। तो जैसे फ हो गया, भ हो गया, तो ये सारी चीजें जो है माइक पे डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जाती है। तो इन सब सारी चीजों से अगर हमें बचना है तो उसके लिए हमें पॉप फिल्टर को यूज करना जरूरी है। तो आपको पॉप फिल्टर मिलेगा कहाँ, तो मैं आपको नीचे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डालूंगा, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो माइक के बारे में भी, कंडेंसर माइक कैसे आप परचेज कर सकते हो, कौन सा माइक आपको लेना चाहिए उसके बारे में भी मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आप उसे परचेज कर सकते हो। तो दूसरी जो चीज हो गई वो पॉप फिल्टर हो गई। पॉप फिल्टर एकदम जरूरी है, आपको उसको लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज होता है वो होता है साउंड कार्ड। कि साउंड कार्ड पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस टाइप का साउंड कार्ड आपको यूज करना है। तो जो मार्केट है, मार्केट में बहुत टाइप के साउंड कार्ड होते हैं, जैसे कि कम रेंज के भी होते हैं, 2-2 हज़ार से भी हमारे साउंड कार्ड स्टार्ट हो जाते हैं। फैंटम पावर के भी डिवाइसेस होते हैं, जो कि जो माइक होता है माइक को फैंटम पावर देता है, तो वो जो डिवाइस होता है सिर्फ वो फैंटम पावर प्रोवाइड करवाता है। बट उनमें क्या होता है, अगर आप उनको यूज करते हो तो उसमें जो वॉइस का क्लैरिटी होता है वो क्लैरिटी नहीं आता, क्योंकि जो हमारा साउंड कार्ड होता है साउंड कार्ड में हमारे प्री एम्प्स लगे होते हैं। तो जो प्री एम्प्स का काम ये होता है कि जो भी हम लोगों ने वोकल्स रिकॉर्ड किया है यहाँ पे, तो उससे वो एम्पलीफाई करके डायरेक्ट सिस्टम पे भेजता है, तो एक अच्छा क्वालिटी का जो रिकॉर्डिंग होता है वो होता है। तो हमें जो हमारा साउंड कार्ड है साउंड कार्ड को भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या है कि सोलो ले सकते हो, मतलब स्कारलेट का जो होता है फोकसराइट का सोलो, उसे आप परचेज कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा होता है होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए, और जो क्वालिटी होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो कम रेंज के जैसे हो गया 2-2 हज़ार 3 हज़ार के भी होते हैं, तो उनको आप परचेज नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनमें जो क्लैरिटी होती है, जो आउटपुट होना चाहिए वॉइस का, वो निकल करके हमारे पास नहीं आता है। जो फोर्थ चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है डिस्टेंस। मतलब आपका जो माइक हो गया और आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही सामने भी नहीं होना चाहिए, बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए। कि मतलब आप इसके सामने करके गा रहे हो कि आपको लग रहा है कि जब आप सामने करके गा रहे हो तो आपका जो ज्यादा वॉइस है वो कैप्चर होगा। ऐसे में क्या होता है, जब आपको मिक्सिंग मास्टरिंग करते हो उसे प्रॉपर, जब उसको इक्वलाइज करते हो जब आप अपने सॉन्ग को या फिर अपने वॉइस को, तो क्या होता है कि वो फट जाता है, फटने की जो प्रॉब्लम होती है वो आ जाती है। और ज्यादा दूर भी नहीं रहना, दूर रहने से क्या होगा कि जो एक्चुअल जो साउंड है वो नेचुरल साउंड है वो नहीं आ पाएगा, और जब आप उसमें इको या रिवर्ब इफेक्ट डालते हो तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, और आपको बार बार उसे गेन करना पड़ेगा, गेन जो आपका इफेक्ट है वो डालना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि उससे भी वॉइस जो आपका खराब होगा। तो जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो 4 फिंगर का है, कि जब भी आप गाने जाओ तो यहाँ से 4 फिंगर आप देख लो कि 4 फिंगर का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए आपके और माइक, जो पॉप फिल्टर है उसके बीच में और जो माइक है माइक के बीच में भी, यहाँ पे हमारे पास 3 फिंगर का जो गैप है वो यहाँ पे होना चाहिए, मतलब पॉप फिल्टर और जो हमारा माइक है। तो यहाँ से आप जब भी गाने जाओ तो 4 फिंगर आप देख लो और यहाँ से फिर आप ऐसे गाना स्टार्ट करो, तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रहना, बहुत ज्यादा सामने भी नहीं रहना। और जो 5th पॉइंट है वो है साइलेंट रूम के बारे में, कि आप जो भी अपना सेटअप कर रहे हो वो साइलेंट रूम पे करो, जहां पे ज्यादा नॉइज ना आता हो, ऐसे रूम पे जाकर के जो आप रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग को कर सकते हो, और जो वो रोड साइड में नहीं होना चाहिए, और जो एक्सटर्नल साउंड्स है वो चीज बार बार वहां पे नहीं आना चाहिए। तो इससे क्या होगा,
कि जो आपका साउंड क्वालिटी होगा वो अच्छा होगा। कि सपोज कर लो कि आपने नॉइजी वाले रूम पे उसे रिकॉर्ड कर लिया, फिर क्या है कि उससे जब आप उस पे इफेक्ट डालोगे तो वो पूरा गंदा हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि आप परचेज कर सकते हो एकॉस्टिक फॉर्म को, कुछ एकॉस्टिक फॉर्म ले लो जो कि क्या है इको को रिड्यूस करता है। जैसे आपका सिंपल जो रूम है वॉल्स होते हैं वो है कि हमारा जो वॉइस जा रहा है उसे फिर वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ऐसे वो पूरे रूम में गूंजता है वो आवाज़, तो उसे हमें अगर कम करना है तो उसके लिए हम पॉपअप जो हमारा एकॉस्टिक फॉर्म है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसका भी जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर के देख सकते हो कि एकॉस्टिक फॉर्म्स होते क्या हैं। तो कुछ आप ले लो और उसे अपने वॉल्स में चिपका दो इधर उधर, तो उससे क्या होगा कि जो भी आप बोल रहे हो वो कम हो जाएगा। अगर आपके पास बजट की कमी है तो आप जो वॉल्स है आपके वहाँ पे आप पर्दे लगा सकते हो, तो वो जस्ट डायरेक्ट आप पीछे भी देख सकते हो यहाँ पे जैसे पर्दा यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या है कि यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ, इससे क्या होता है कि जो भी हम लोग बोलते हैं वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है और जो रिकॉर्डिंग होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एकॉस्टिक फॉर्म लेने के लिए ज़्यादा बजट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अंडे का ट्रे आपने देखा होगा जो कागज का होता है, कागज का अंडे का ट्रे जिसपे अंडे रखे होते हैं, तो उसे आप ले लो। वो क्या होता है कि स्क्वायर के फॉर्म में होता है, उसे आप ले लो और अगर आपने 50 रुपीज़ का लिया तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उसे क्या है कि आप वॉल्स में चिपका सकते हो, उसे चिपकाने के बाद आप उस पर कलर कर दो तो देखने में भी अच्छा लगेगा और क्या है कि जो आपका इको का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं कि इको को क्यों कम करना पड़ता है, क्योंकि सपोज कर लो कि आपके पास कोई आपने वॉइस सैंपल लिया उस पर ऑलरेडी जो इको आ रहा है, फिर से आपने जब उस सिस्टम पे डाला और उस पर इको या फिर रिवर्ब आप डाल रहे हो तो फिर से क्या होगा कि उसमें इको के ऊपर फिर से इको आ रहा है, तो आपको सही जजमेंट नहीं मिल पाएगा और जो वॉइस है वो ऑलरेडी खराब हो जाएगा। तो क्या है कि सपोज कर लो कि आपके पास कोई वाइट पेपर है, वाइट पेपर में ऑलरेडी कोई रंग लगा हुआ है, ठीक है, थोड़े थोड़े कुछ कुछ रंग लगा हुआ, उसके ऊपर फिर से आपको पेंटिंग करना है तो कैसा लगेगा, वो गंदा लगेगा, राइट। तो इसके लिए क्या है कि आपका जो रूम है वो प्रॉपर इको वहाँ पे जो है वो जीरो होना चाहिए। और अगर आपके पास जैसे पर्दे हैं तो पर्दे को आप लगा दो, खास करके कॉर्नर्स पे भी लगा दो, और जहाँ पे आपका माइक है माइक के सामने जो है वॉल पे भी होना चाहिए कि ये जो माइक है माइक के सामने जो वॉल है। तो अभी यहाँ पे अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो मैं जब गा रहा हूँ तो हमारा वॉइस जाकर के जो टकराएगा जो हमारा वॉल है वहां से और फिर से रिटर्न होकर के माइक पे आएगा, तो दो दो साउंड एक साथ रिकॉर्ड हो जाएंगे जिसमें थोड़ा सा डिले होगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लो तो आप एक प्रोफेशनल क्वालिटी का जो ऑडियो है उसे आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।